अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका 10 मिनट शबाना किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं गोभी आलू। ये बहुत ही चटपटे तरीके से हम बनाएंगे। ये बहुत फीकी फीकी सी लगती है, इसलिए हम इसे थोड़ा मसालेदार बनाएंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लेंगे फूल गोभी। इसको ऐसे तरह से कट कर लेंगे पीस पीस में। इसको ज़्यादा छोटा छोटा नहीं करना, ये नहीं तो ये पूरी गल जाती है और मिक्स हो जाएगी। इसको ऐसे बड़े बड़े पीस में ही रखिए। ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है। इसको मैं चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ऐसे भी कट कर सकते हो स्लाइस में। तेल गरम कर रही हूँ मैं गैस पर, 3 चम्मच इस चम्मच से। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप घर के बड़े चम्मच से भी 3 चम्मच डाल सकते हो। ये 3 चम्मच मैंने डाला है इसमें तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सौते करना है, हल्का सा पिंक करना है, पूरा ब्राउन नहीं करना है। उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हल्का सा भुनेंगे। देखिए मैं भून रही हूँ। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, आधा चम्मच नमक डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर ज़्यादा लाल कर देंगे तो भाजी हमारी एकदम ब्राउन ब्राउन हो जाएगी। एक टमाटर ऐड करेंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो अच्छे से भून लेंगे और ढककर 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। ये कुछ मसाले हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये चम्मच से मैं मेजर करके ली हूँ। ये हर मसाले के डब्बे में आता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर है और आधा चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से भुनेंगे। मैं ऐड कर दी हूँ और इसको अच्छे से भुनेंगे। पानी नहीं डालेंगे इसमें, पानी होता है टमाटर में। अभी थोड़ा सा मसाले में थोड़ा 1-2 चम्मच पानी डालेंगे और स्लो पर ढककर टमाटर नरम होने तक पकाएंगे। लो कर दी मैंने फ्लेम को, ढक दी। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला चिपक ना जाए। 2 चम्मच पानी मैंने जो प्लेट में मसाले लिया था उसी में डालकर डाल दी हूँ। अब इसको ढक देंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए मैंने। आलू ज़्यादा कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। ये मैंने ऐड कर दिया आलू और इसमें अब डाल दी गोभी। गोभी को ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों में। अच्छे से धोकर डालिए। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, 1.5 ग्लास के करीब। थोड़ा सा पानी है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी गल के एकदम मिक्स हो जाएगी। फ्लेम को मैंने लो रखा है, अब पानी ऐड किया था। अब इसको मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। ये मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे इसको। देखिए थोड़ा सा पानी है इसमें। इसको उलट पलट करके भुनेंगे। चम्मच ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना, नहीं तो गोभी और टूट जाती है, पूरी मिक्स हो जाएगी, मैश हो जाएगी। इसलिए मैंने हल्का हल्का सा इसको मिलाया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। गोभी अभी कच्ची है, इसमें थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा था तो थोड़ा मैं ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। ये हमारी रेडी हो चुकी है भाजी। इसको मैं ऐसे ऐसे करके ही हल्का हल्का सी चम्मच हिलाऊंगी। देखो नहीं तो गोभी गलने पर बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। हमारी गोभी रेडी हो चुकी है एकदम। तो बहुत ही हमने सिंपल तरीके से बनाया है। ऐसे ही सिंपल और आसान रेसिपी के लिए मुझे
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। सबको रमज़ान मुबारक।